हे गाइस, आप लोग कैसे हो? टेक सेवन यूट्यूब चैनल से मैं सम्राट। तो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन का जो सेल है ये शुरू हो चुका है। तो अभी जो है हम लोग फ्लिपकार्ट के ऊपर एक वीडियो दे दिया। तो ये वीडियो में जो है अमेजोन के ऊपर आपको स्मार्टफोन सेगमेंट में कौन सा स्मार्टफोन में सबसे अच्छा डील मिलने वाला है इसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये लिस्ट में जैसा आपको खास एंट्री लेवल का स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, ऐसा फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। तो आपके लिए जो जो फोन का लिस्ट हम लोग बनाया इसके अंदर से कोई भी फोन अगर आप बाय करेंगे तो आपको सबसे अच्छा डील मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं। बट वीडियो का मेन टॉपिक में जाने के पहले एक बात बोलना चाहता हूं, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगने पर भी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते इसके लिए देखिए चैनल में व्यूअर टू सब्सक्राइबर का रेशियो 1% का भी नीचे चल रहा है। इसलिए रिक्वेस्ट करो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलते रहेगा ना, हम लोगों को भी जो चैनल ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प होगा। एंड स्पेसिफिकली ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा लाइक होगा ये वीडियो जो उतना ही ज्यादा व्यू गेन करने में हेल्प होगा। कुछ भी चीज जानना है फिर कर कमेंट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो का मेन पार्ट। तो दोस्तों हम लोगों का ये वीडियो का सबसे पहला जो फोन आ रहा है अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल का, ये फोन आ रहा है सैमसंग का गैलेक्सी S20 FE 5G। तो ये फोन देखिए आपको बैंक ऑफर के साथ 34,000 में देखने को मिलेगा। एंड सच बताया जाए तो इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट डील आपको ये फोन में ही देखने को मिलेगा। इससे अच्छा डील आपको और कोई फोन में इस बजट में देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको लेना है तो आप आंख बंद करके ये फोन को आप ले सकते, सच में एक अच्छा डील आपके लिए होगा। एंड सबसे बड़ी बात स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी आपको ये फोन में देखने को मिल रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट डील यही दे रहा है आपको इस बजट में। नेक्स्ट है iPhone 11। देखिए ये जो 39,000 में मिल रहा है ये वन ऑफ द बेस्ट डील ये भी आप मान सकते हैं, क्योंकि आईफोन सबसे पहला बड़ा बात इतना कम प्राइस में दे रहा है। तो A13 बायोनिक चिप के साथ 6.1 इंच का डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्राइस है ये आपको फ्लैट प्राइस देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर कोई बैंक ऑफर आपको अप्लाई होते देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं ट्राई किया था इधर, मैं देखा इधर जो तो मैं इधर देखिए तो मैं देखा किसी तरह कोई बैंक ऑफर इसके ऊपर ऐड नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो फोन आ रहा है ये OnePlus Nord 2 5G। तो ये फोन अगर आप देखिएगा आपको ये 30,000 रुपया में देखने को मिलेगा 6GB वेरियंट, और इसका साथ ये आपको बैंक ऑफर के साथ 28,000 रुपया में देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप इसका 12GB वेरियंट लेते हैं नॉर्मली जो बैंक ऑफर के साथ 2,000 रुपया का ऑफ देखने को मिले तो ये तो मिलेगा ही, प्लस 1,000 रुपया का एक कूपन भी आपको दिया जाएगा जिसको अप्लाई करके टोटल 3,000 रुपया का ऑफ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है Mi 11X 5G। ये भी सच में एक बहुत ही अच्छा डील है 20,000 रुपया में। इससे अच्छा डील Xiaomi या कोई भी फोन देख लीजिए और नहीं मिलेगा। इधर आप देखिए एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, वो भी 120Hz का बहुत लाजवाब डिस्प्ले, Snapdragon 870 5G प्रोसेसर मिल रहा है। एंड इसका साथ इधर अगर आप नोटिस करेंगे सब कुछ जो है अच्छा आपको मिलने वाला है। इधर UFS 3.1 स्टोरेज भी मिल जाएगा। तो ये ऑफर में जो है आपको नॉर्मली आपको जो है जो HDFC बैंक का कार्ड है ये कार्ड के ऊपर आपको ये ऑफर देखने को मिलेगा। क्रेडिट कार्ड होना चाहिए तभी जो है आपको फ्लैट 7,000 रुपया का ऑफ देखने को मिलेगा, इस प्राइस में आपको मिल सकता है। तो आप एक बार देख सकते हैं ये फोन को भी बहुत ही अच्छा डील है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो फोन आ रहा है ये है सैमसंग का M12। तो ये फोन जो है आपको फ्लिपकार्ट में M12 नाम से देखने को मिल जाएगा। तो बैंक ऑफर के साथ ये 8,550 रुपया में देखने को मिल जाएगा आपको। तो ओवरऑल में ये फोन एज ए सैमसंग डिवाइस वाइज देखा जाए तो सच में एक अच्छा डील है, क्योंकि इधर आपको देखिए 90Hz का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिल रहा है, 48MP का कैमरा भी मिल रहा है, एंड डिसेंट क्वालिटी का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा Exynos 850 प्रोसेसर से। तो सब कुछ लेकर आप एक बार ये फोन की तरफ देख सकते हैं। बट अगर आपको सैमसंग के छोड़कर और कोई फोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं बोलूंगा आप जो है माइक्रोमैक्स का E-Note 1 फ्लिपकार्ट में एक बार देख लीजिए, 8,550 रुपया का आसपास प्राइस में मिलेगा ना। वन ऑफ द बेस्ट डील माइक्रोमैक्स E-Note 1 ही दे रहा है 8,500-600 रुपया के अंदर आज के दिन में। नेक्स्ट है रेडमी का Note 10S, ये भी एक काफी अच्छा डील के अंदर रख सकते हैं। मतलब ये फोन देखिए 11,700 रुपया में बैंक ऑफर के साथ मिल रहा है। इधर आपको 64MP का कैमरा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, मीडियाटेक हेलियो G95 प्रोसेसर, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ये फोन को आप नॉर्मल Note 10 Pro के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, उसका क्वालिटी और भी अच्छा है। बट 11,600-700 रुपया वाइज देखा जाए तो ये फोन सच में एक अच्छा है। Redmi Note 10 S को आप इस बजट में एक बार ऑब्वियसली कंसीडर करके देख सकते हैं, अच्छा फोन है। OnePlus Nord C 5G को मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा, बट फिर भी अगर आपको OnePlus डिवाइस लेना है तो आप एक बार देख सकते हैं, 23,000 रुपया के अंदर आपको मिल जाएगा। इधर जो आपको 64MP का कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, एंड स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। बट रिकमेंडेशन के अंदर नहीं है, ये दो फोन को इग्नोर कीजिएगा तो ही आपके लिए अच्छा है। ये भी इग्नोर। नेक्स्ट है iQOO Z3। तो ये फोन देखिए 15,500 रुपया में आपको देखने को मिल जाएगा बैंक ऑफर के अंदर। तो ये फोन का सबसे अच्छा चीज क्या है, इधर IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है 120Hz का, 55W का चार्जर एडाप्टर मिल रहा है, 64MP का सैमसंग का G3 सेंसर के साथ कैमरा देखने को मिल जाएगा।
तो ये फोन का जो प्रोसेसर है इधर स्नैपड्रैगन का 768G प्रोसेसर मिलने वाला है आपको। तो सब कुछ लेकर एज ए 5G डिवाइस वाइज मुझको जो लग रहा है ये फोन भी एक आपके लिए अच्छा चॉइस हो सकते। तो आपको लेना है तो आप 5G डिवाइस की तौर पर इसको कंसीडर कर सकते। नेक्स्ट है रेडमी का नोट 10 प्रो। तो ये फोन जो है बैंक ऑफर के साथ 15,000 रुपया में मिल रहा है। नॉर्मली तो Xiaomi का नोट सीरीज का फोन में उतना कुछ ऑफर देखने को नहीं मिलता है। तो ये फोन में जो है सबसे हाईलाइटेड है एमोलेड डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट का, वो भी इस बजट में। 64 मेगापिक्सल का इधर सेंसर देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस भी देखने को मिल जाएगा एंड स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। सब कुछ लेकर ये फोन को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप ये फोन को कंसीडर कर सकते, काफी अच्छे डील है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो फोन आ रहा है ये है सैमसंग का M32। तो ये फोन 10,800 रुपया मतलब 11,000 रुपया का नीचे के अंदर वन ऑफ द बेस्ट डील आपको सैमसंग की तरफ से ये फोन में मिलेगा, मतलब कमाल का डील है। क्यों बोल रहा हूँ, ये फोन का सबसे हाईलाइटेड की देखिए इधर आपको सबसे अच्छा चीज़ क्या है, इधर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है इधर फुल HD रेजुलेशन के साथ, इधर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है डिस्प्ले के ऊपर। कैमरा की सेटअप देखिए 64 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप भी आपको देखने को मिल रहा है, प्लस इधर 6000 mAh की बैटरी एंड प्रोसेसर को अगर नोटिस कीजिए तो मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर मिल रहा है। तो सब कुछ लेकर जो है क्लियर रिकमेंडेशन के अंदर आएगा 10,800 रुपये में सच में एक अच्छा डील है। अगर आपको लेना चाहते हो तो मैं आपको आराम से बोल सकता हूँ, आप एक बार देख सकते हैं ये फोन सच में काफ़ी अच्छा है। OnePlus 9 5G मत लीजिएगा, मतलब नहीं लेने पड़ी आपके अच्छा है, क्योंकि इस बजट में अगर आप फोन लेने जा रहे हो तो मैं बोलूंगा वीवो का X60 Pro देखिए, नहीं तो iQOO का फोन देखिए, नहीं तो आप Xiaomi का फोन देखिए, काफी अच्छा डील मिलेगा इस बजट में, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोलता हूँ Redmi Note 10 Pro Max। सच में ये फोन एक अच्छा डील आपको मिल रहा है, मतलब 17,500 रुपया वाइज देखा जाए 108 मेगापिक्सल का कैमरा का क्वालिटी सच में ये फोन में अच्छा मिल रहा है। तो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी आपको काफी इंप्रेसिव तो देखने को मिलेगा, 120Hz रिफ्रेश रेट कैमरा डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा एंड इधर स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर भी देखने को मिल रहा है। सब कुछ लेकर ये भी एक काफी अच्छा बेहतरीन डील आपको दे रहा है, तो आप एक बार देख सकते हो ऑब्वियसली। नेक्स्ट है टेक्नो का स्पार्क 70। तो ये फोन का हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन देख लीजिए, G35 प्रोसेसर मीडियाटेक की तरफ से 6000 mAh की बैटरी 6.52 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले, बट इसका साथ अगर आप देखिएगा 7650 रुपया में आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल मिल रहा है प्लस 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर भी मिल रहा है। तो सब कुछ लेकर 7,700 रुपया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट डील आपको टेक्नो स्पार्क 70 के अंदर ही मिलेगा। नेक्स्ट है सैमसंग का नोट 20। तो ये फोन को देखिए लेने के पहले कुछ चीज जान लीजिएगा, इधर एक्सिनोस का प्रोसेसर है, अगर इधर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता तो मैं क्लियरली रिकमेंड कर सकता था। एक्सिनोस के लिए थोड़ा मैं रिकमेंड एकदम फ्रीली कर नहीं सकता हूँ, बट फिर भी 42,000 के अंदर ये भी काफी अच्छा फोन है। इसका अगर कैमरा देखेंगे तो कमाल का कैमरा आपको मिलने वाला है एंड थोड़ा क्रिएटिव अगर वर्क करना चाहते हैं, मतलब ड्राइंग या कोई डिजिटल पेंट करना चाहते हैं ये फोन के ऊपर, तो आप ये फोन को एक बार कंसीडर करके देख सकते हैं, ये भी सच में एक अच्छा डील आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट है iPhone XR। तो ये फोन लेने के पहले थोड़ा सोचिएगा, 33,000 में ये एक अच्छा डील तो है, बट आप 33,000 देकर एक सिंगल कैमरा का फोन क्यों लेंगे ना आज के दिन में, ये थोड़ा सोचिएगा। हो सके तो आप जो है iPhone 11 लेने के लिए ट्राई कीजिए 39,000 के आसपास में, और भी अच्छा डील मिलेगा जिधर आपको एक्स्ट्रा कैमरा भी मिल रहा है अल्ट्राइड प्लस F13 बायोनिक चिप आपको उधर देखने को मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं लेना है या नहीं लेना है। इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, इधर जो है आपको और भी कुछ थोड़ा छोटा मोटा अच्छा डील आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आ रहा है सैमसंग का M21 2021 एडिशन। तो ये फोन को अगर आप नॉर्मली देखेंगे आपको 12,500 रुपया के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, बट आपको जो है इसका जो कार्ड ऑफर है कार्ड ऑफर अप्लाई करेंगे तो आपको 1,250 रुपया का भी ऑफ देखने को मिल जाएगा कार्ड के ऊपर। ये पहले मैं नोटिस नहीं किया था बट मैं ऐड किया ये लिस्ट में, तो ये काफी अच्छा आपके लिए डील हो सकता है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये फोन को जो है मैं उतना अच्छे से रिकमेंड तो नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा पुराना भी हो चुका है, इस बजट में इससे बेटर डील आपको मिल जाएगा Xiaomi की तरफ से ही मिलेगा, इसका साथ मोटोरोला की तरफ से फ्लिपकार्ट में आपको H20 फ्यूजन है ये भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है सैमसंग का M51। 20,000 रुपया में आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा, बैंक ऑफर ऐड करेंगे तो 1,750 रुपया का ऑफ देखने को मिल जाएगा ये फोन के ऊपर भी, एंड ये सच में एक अच्छा डील है, मतलब इस बजट में देखा जाए तो, क्योंकि सैमसंग का ये फोन जो सच में काफी स्टेबल परफॉर्मेंस दिया था कैमरा वाइज परफॉर्मेंस वाइज मतलब प्रोसेसर वाइज हर एक सेगमेंट में, तो आप एक बार कंसीडर करके देख सकते हैं इस बजट में ये फोन एक सच में अच्छा डील है। नेक्स्ट ये फोन को मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, Realme Narzo 30 लेना है तो देखिए ये इधर जो प्राइस है इससे काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, लेना है तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा आप लीजिए Flipkart से, 10,800 रुपया के अंदर मिल जाएगा, काफी अच्छा डील है ये फोन का। इसका बाहर में और भी थोड़ा नीचे आकर ये सब फोन का अंदर कुछ अच्छा मुझको देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट है iQOO 7 5G।
तो ये फोन देखिए आपको जो है कार्ड ऑफर के साथ 26,990 रुपया में देखने को मिल जाएगा। सच में ये एक अच्छा डील है। वॉइस के साथ ये फोन आ रहा है, कैमरा के ऊपर स्नैपड्रैगन 870 5G वॉइस देखने को मिल रहा है, 66 वाट का चार्जर एडाप्टर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ऑब्वियसली ये फोन को कंसीडर कर सकते हैं, इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट डील आपके लिए ये हो सकते हैं। नेक्स्ट है सैमसंग का गैलेक्सी A52s 5G। तो ये फोन को देखिए 6,000 रुपया का अगर आप ऑफर को ऐड करेंगे तो आपको 30,000 में ये फोन देखने को मिलेगा। 30,000 वाइज सच में ये एक अच्छा डील ऑब्वियसली है। 64 मेगापिक्सल का वाइस कैमरा, फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। बट आप जब देखेंगे सेम टाइम सैमसंग का S20 FE भी मिल रहा है आपको 34,000 के अंदर, 4,000 रुपया ज्यादा देकर। मुझको तो क्लियरली लगता है S20 FE लेना और भी ज्यादा बेटर हम लोगों के लिए डील होगा। Vivo X60 देखिए इधर जो भी प्राइस है अच्छा है, 35,000 में मिल जाएगा, सॉरी मतलब 5,000 रुपया ऑफ देंगे तो ये 30,000 में मिल जाएगा। बट मैं आपको बोलूंगा लेना है तो क्लियरली लीजिए फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट में और भी अच्छा डील आपको मिल जाएगा ये फोन के ऊपर, ठीक है। iQOO 7 Legion 5G ये 36,990 रुपीज में देखने को तो मिल रहा है, बट इसके ऊपर जो आपको एडिशनली और भी 1,500 रुपया का ऑफ आपको कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ लेकर ये फोन आपको जो 35,500 रुपीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एंड सच में बताया जाए तो 35,500 रुपीज में ये फोन भी एक अच्छा डील है। 888 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा, इधर जो है आपको कैमरा भी काफी अच्छा इंप्रूव कैमरा देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों लिस्ट का लास्ट में जो फोन आ रहा है ये है Mi 11X Pro 5G। तो ये फोन 37,000 में नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएगा, बट आपको जो है कार्ड ऑफर के साथ 7,000 रुपया का एक ऑफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो Mi 11X Pro 5G को आप एक बार कंसीडर करके देख सकते हैं, ये फोन सच में एक अच्छा फोन है। मतलब अगर आप देखिएगा स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर या मिल रहा है, LPDDR5 रैम देखने को मिल रहा है, UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिल रहा है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी मिल रहा है, 120Hz रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले के साथ। तो 30,000 में अगर मिलता है तो ऑब्वियसली आप एक बार कंसीडर करके देख सकते हैं, सच में एक अच्छा डील 30,000 वाइज देखा जाए तो। तो दोस्तों ये है ऑलमोस्ट हर एक फोन जो हम लोगों को लगा अच्छा है डील के अंदर, इसका लिस्ट। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा देखिए इसके अंदर काफी सारा फोन ऐसा हो सकते हैं जो हम लोग मिस कर गया, तो ऐसा फोन अगर आपको लगता है तो एक बार कमेंट करके बोलिए, वो फोन के ऊपर हम लोग देखेंगे, अगर अच्छा डील है तो हम बता देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में एक लाइक देकर हम लोग का वीडियो का लाइक टारगेट जो रखा गया वो फिल कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है फिल कर कमेंट कीजिए, कमेंट के आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। चैनल में नाने पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलते रहेगा, हम लोगों को भी जो चैनल ग्रो करने में हेल्प होगा। ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड कॉलिग मेंबर फैमिली मेंबर के साथ, फिर एक नया वीडियो मुलाकात होने जा रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय। एंड आप सेफली आपका जो चीज जरूरत है वो बाय कर लीजिए।